ये है नथिया गली, मेन बुलेवर्ड जिसको के नथिया गली बाजार भी कहा जाता है। और हम आए हैं यहाँ मौजूद इस होटल जिसका नाम है होटल रॉयल लेक्सस। एंट्रेंस तो आप देख ही चुके हैं, अब चलते हैं रूम की जानिब। लेकिन रुकिए, रूम टूर से पहले होटल का रिव्यू जरूरी है, चुनाचा पहले होटल का रिव्यू करते हैं। ये जो पेंटिंग नुमा चीज आपको नजर आ रही है, दरअसल ये लिफ्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब चलते हैं होटल के फर्स्ट फ्लोर की जानिब। और फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले हर फ्लोर की चेंजिंग पे आपको ये विंडो नजर आएगी जहां से बहुत अच्छे नज़ारे किए जा सकते हैं। तो ये रहा जनाब फर्स्ट फ्लोर। आपको बताता चलूं कि फर्स्ट फ्लोर में होटल ने अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। इस रेस्टोरेंट का फ्लोर, सिटिंग, इंटीरियर, एटमोसफेयर सब कुछ लाजवाब। लेकिन जो चीज सबसे शानदार है वो है यहाँ का व्यू। ऐसे व्यूज में खाना खाने का तजर्बा हमेशा बहुत यूनिक रहता है। होटल ने रेस्टोरेंट की वजह से फर्स्ट फ्लोर से भी एंट्रेंस दी हुई है, लेकिन सुबह होने की वजह से ये दरवाज़ा अभी लॉक है। और इस साइड से नथिया गली का मेन बुलेवर्ड नज़र आता है। सो अब चलते हैं रेस्टोरेंट के ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पर लॉबी के हवाले से सिटिंग मौजूद है। और यहां से वापस आते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ और आपको कराते हैं इस होटल के रूम का टूर। तो ये रहा जनाब इनका रूम। और अगर आप रूम की बात करें तो रूम आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लग्जरी है। मतलब यहां पे नथिया गली में हमने बाकी होटल्स भी देखे हैं, लेकिन इस तरह के रूम अवेलेबल नहीं है। रूम अच्छे हैं, व्यू भी होता है, लेकिन ये रूम ज़रा, इसके अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इस रूम का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। जैसा कि ये जो सोफ़ा सेट हैं ये बड़े अच्छे पड़े हुए हैं, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, पेंटिंग इधर किसी होटल में नहीं लगी होती, पेंट बहुत अच्छा है, डोर बहुत अच्छे हैं। और ये छतें देखें, छतें छतों पर भी लकड़ी का काम हुआ हुआ है और अच्छी छतें हैं। इसके अलावा एक मैट्रेस आ सकता है, एक बेड है, लैंप है। और यहाँ से नथिया गली जो मेन बाज़ार है उसका व्यू हो सकता है। पहाड़ों का व्यू तो नहीं हो रहा, वो बैक साइड पे होता है, जो बैक साइड के रूम है उधर से होगा। यहाँ पे बाज़ार का व्यू हो सकता है, वो जो ग्रीनरी है डेफिनेटली वो इधर चारों तरफ फैली हुई है। इसके अलावा ये टीवी है, ये तो वैसे इधर तमाम होटल्स में होता है, हर कमरे में ऑलमोस्ट होता है। लेकिन ख़ास बात ये है कि बाकी जगहों पे ये स्मार्ट नहीं होता, यहाँ पे स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा जो ये लैंप हैं ये मुझे बड़े पसंद आए हैं, ये भी एक यूनिक चीज़ है। अभी तक मैंने इधर नथिया गली में किसी होटल में लैंप लगे नहीं देखे। इसके अलावा बात की जाए वॉशरूम की तो ऑफकोर्स वॉशरूम अटैच है जैसे कि होटल्स में होता है, लेकिन इनका वॉशरूम मुझे वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। क्योंकि होटल्स में वॉशरूम बड़ा मैटर करता है कि अच्छा होना चाहिए। अब इधर देखें तो बीच में ये शीशा है, पार्टीशन हुई है, शॉवर है और इसमें 24/7 गर्म पानी भी आता है। इसके अलावा वॉश बेसन है, कमोड है। तो मैं कहीं भी जाऊँ वॉशरूम तो लाजमी ऑब्जर्व करता हूँ। इस दफ़ा मैंने कहा शेयर भी करूँ तो वॉशरूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसका इंटीरियर भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, वॉशरूम ज़बरदस्त है। तो मेरे मुताबिक अगर ये कहा जाए कि नथिया गली में ये अब तक मैंने जितने होटल देखे हैं उनमें बेस्ट होटल है तो ये गलत नहीं होगा। ये होटल वाकई बेस्ट है। रिसेप्शन से लेके एंड तक इनका जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, होटल बड़ा पुरसकून है, सर्विसेज अच्छी हैं। इसके अलावा इस होटल के अंदर अपना एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है, होटल की अपनी पार्किंग है, वाईफाई है। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया 24/7 गर्म पानी भी है, बैकअप जनरेटर की सहूलत है और टीवी का भी मैंने आपको बता दिया है कि टीवी तो हर होटल में तकरीबन होता है लेकिन इधर स्मार्ट टीवी है। तो आप अगर कभी नथिया गली में आएँ तो इस होटल को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये होटल बहुत पसंद आया। मेरा नाम कासिम निसार है, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।